नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने एग्जाम नाउ यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों देखिएगा, आप सभी को मालूम होगा फॉरेस्टर गार्ड का आपका एडमिट कार्ड जारी कर दिया गया है, यानी कि आप सभी ने फॉर्म लगाया होगा तो आप अपना एडमिट कार्ड किस प्रकार से निकालेंगे। यहाँ पे देखिएगा, मैंने अपने स्वयं का एडमिट कार्ड यहाँ पे निकाल लिया है, तो आप भी अपना एडमिट कार्ड किस तरीके से निकालेंगे, तो इसके लिए आपको वीडियो को भी लाइक कर देना है और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा बाद में। तो इस तरीके से निकालेंगे। सबसे पहले देखिए, मैं आपको बता देता हूँ मेरा जो सेंटर आया है वो भी आप देखिएगा। मेरा जो सेंटर आया है वो देख सकते हैं आप, यहाँ पे जयपुर जिला दिया गया है, उसके बाद में यहाँ पे परीक्षा केंद्र का नेम दिया गया है और कोड दिए गए हैं। यहाँ पे टाइम दिया गया है 12 नवंबर 2022 को शनिवार को 2:30 से 4:30 तक रिटर्न एग्जामिनेशन। यहाँ पे इनके जो भी नियम है ये सभी दिया गया है, तो आप सभी इनको देख सकते हैं। तो इसे देखिएगा किस प्रकार से आप अपने मोबाइल में डाउनलोड करेंगे, डाउनलोड करके मैं आपको बताऊँगा। तो गाइज, आप वीडियो को लाइक कर देना और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। तो शुरू करते हैं वीडियो। तो यहाँ पे देखिएगा, आपको सबसे पहले अपने SSO लगा देने हैं, जो कि मैं SSO क्या पुलिस और जो भी ऑफिशियल वेबसाइट है मैं इस पर आपको ले जाता हूँ। तो यहाँ पे SSO लिख देना है, उसके बाद में आपको यहाँ पे सर्च कर देना है। फिर देखिएगा, आपको जो फर्स्ट नंबर पे जो वेबसाइट दिखाई देगी उस पर आपको क्लिक करना है। तो मैंने इस पर क्लिक कर दिया है, तो मैं यहाँ पे अपनी SSO ID लगा देता हूँ, आप भी अपनी लगा लीजिएगा। फिर देखिएगा, आपको यहाँ पे कैप्चर लगा देना है, जो कि मैंने ये कैप्चर लगा दिया है। अब मैं लॉगिन पर क्लिक कर देता हूँ। इसके बाद में देखिएगा, कुछ इस तरह से इंटरफेस दिखाई देगा, जिसमें आपको यहाँ पे क्लिक करना होगा रिक्वायरमेंट पोर्टल पर। इस पर क्लिक करने के बाद में देखिएगा, यहाँ पे देखिएगा आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा गेट एडमिट कार्ड, यानी कि यहाँ पे नीले कलर में आपको इसके अंदर यहाँ पे देखिएगा गेट एडमिट कार्ड दिखाई दे रहा होगा, तो यहाँ पे आपको क्लिक करना है। मैं यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ। क्लिक करने के बाद में देखिएगा, आपको कुछ इस तरह से इंटरफेस दिखाई देगा, जिसमें आपको नीचे की तरफ आ जाना है। अगर आपने फॉर्म अप्लाई किया होगा तो आपको कुछ इस तरह से इंटरफेस दिखाई देगा, जिसमें आपको यहाँ पे साइड में चले जाना है, यानी कि यहाँ पे आप अपना एप्लीकेशन नंबर भी निकाल सकते हो यहाँ पे। फिर इसके बाद में यहाँ पे देखिएगा गेट एडमिट कार्ड, तो आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है। तो मैं यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ। क्लिक करने के बाद में देखिएगा, क्लिक करने के बाद में देखिएगा, यह आपका एडमिट कार्ड आ चुका है। तो आप इसे किस प्रकार से डाउनलोड करेंगे, डाउनलोड करने के लिए देखिएगा आपको इस जो भी दिखाई दे रहा है, इसमें ऊपर की तरफ बाएं कोने में यहाँ पे आपको PDF का चिन्ह दिखाई दे रहा होगा, तो आपको इस पर क्लिक करना है। मैंने इस पर क्लिक किया। क्लिक करने के बाद आपको कुछ इस तरह से इंटरफेस दिखाई देगा, जिसमें आपको यहाँ पे PDF पर क्लिक कर देना है। फिर PDF पर क्लिक करने के बाद में आपको यहाँ पर अपना नाम लगा देना है, जो भी आप नाम रखना चाहते हैं, और सेव कर दीजिएगा, आपके मोबाइल में सेव हो जाएगा। तो आप इस प्रकार से अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। तो गाइस, आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर कीजिए।